जैसा कि आप जानते हो, कुछ न्यूज निकल के आ रही है जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स है, अफवाह भी हो सकती है कि बजट में कुछ टैक्स को बढ़ाया जाने वाला है, जहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बिजनेस से हटाकर एज अ स्पेकुलेशन ट्रीट किया जाएगा। अब स्पेकुलेशन क्या है? स्पेकुलेशन का मतलब समझ सकते हो आप लॉटरी या फिर जुआ। अभी तक फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एज अ बिजनेस ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर आप पे जो भी टैक्स लगता है वो आपकी टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग लगता है। यानी कि जैसे आपके पास कुछ बिजनेस है जहाँ पर आपको कुछ इनकम होती है, वहाँ पर आपको जो भी टैक्स देनी होती है वो आपके अर्निंग के हिसाब से देनी होती है। आपके अर्निंग के हिसाब से आपकी स्लैब जो होती है वो होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो परसेंटेज में कुछ टैक्स देना होता है, 5, 10, 15 या फिर 30% जो भी आपकी टैक्स स्लैब्स है। अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर टैक्स को बढ़ाएगी और टीडीएस को इम्प्लीमेंट करेगी। अब टीडीएस क्या है इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा आगे। इसके पहले हम ये जान लेते हैं अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बिजनेस ट्रीट किया जाता था तो यहाँ पर हमको क्या फायदा होता था। सबसे पहला फायदा तो ये कि अगर इसको बिजनेस ट्रीट किया जाता है तो अगर आपको इस साल में लॉस हुआ है और अगर इस साल में प्रॉफिट हुआ है तो आपने लॉस को प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे आपने इस साल में 2 लाख रुपए का लॉस दिया है और अगले साल में आपने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है तो सेट ऑफ करने के बाद में आपको जो प्रॉफिट बचता है वो 3 लाख रुपए बचता है, ना कि 5 लाख रुपए। तो अगर आपको यहाँ पर टैक्स जो भी बनता है या नहीं बनता है वो बनेगा 3 लाख रुपए पर, मतलब जो भी आपको पैसा देना है वो सबसे बाद में देना जाके जब पैसा आपकी जेब में आ जाता है। तो अब आता है टीडीएस। अब ये टीडीएस क्या है? टीडीएस का काम यही होगा कि सीधे सीधे आप जब भी प्रॉफिट करोगे तो वहाँ पर डायरेक्टली आपका पैसा ब्रोकर ही काट लेगा। जैसे आपने किसी भी ट्रेड में 1000 रुपए का प्रॉफिट किया है और वहाँ पर अगर 30% टीडीएस डिडक्ट होता है तो 1000 में से 30% यानी कि 300 रुपए आपके वहाँ पर ब्रोकर काट लेगा। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, अब आपके पास कितने रुपए बचे? 700 रुपए। अब 700 रुपए में से तो आपको ब्रोकरेज भी देनी है, एसटीटी भी देनी है और जीएसटी फीएसटी पता नहीं क्या क्या देने हैं। तो जो भी आपको टैक्स लगेगा वो 30% नहीं, वो 35 या 40% लग जाएगा जाके, मतलब आधा पैसा तो आपको उसी ट्रेड में चला गया, स्वा हो गया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाली है? बड़े ट्रेडर्स को नहीं, वो तो पहले से ही 30% दे रहे हैं और उनको कुछ फर्क भी पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो पहले से ही पैसा कमा रहे हैं। पर यहाँ पे फंसेगा कौन? रिटेल ट्रेडर, जिसके पास कम पैसा है, जैसे कि 20,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए। क्योंकि ऐसा मान के चलो आप एक नए ट्रेडर हो ऑप्शंस में, तो आप ट्रेड किस बेस पे करते हो? रिस्क रिवॉर्ड के बेस पर, मतलब 1 रुपए के बदले में आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे 1 के बदले में 2 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर भी मान लो आपके पास 10,000 कैपिटल है जहाँ पर आप 300 रुपए स्टॉप लॉस रखते हो, 600 रुपए प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो यहाँ पर आपको दिखता तो है कि 1:2 की एक्सपेक्टेशन रखी है, बट जब ब्रोकरेज करते हैं चाहे आप लॉस कर रहे हो या फिर प्रॉफिट कर रहे हो, तब आप सही से कैलकुलेशन करोगे ना राउंड फिगर में जो बनता है जाके, वो 1:2 नहीं बनता है जाके, वो 1:1.5 बनता है या फिर 1:1 बनता है जाके। मतलब आपने जो 1 के बदले 2 पैसा कमाया था वहाँ का आधा पैसा तो आप पहले से ही ब्रोकरेज या फिर टैक्सेस में दे दे रहे हो, जो भी आप पे ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं उन पे भी। पर जब ये टीडीएस लग जाएगा तो आप जब भी लॉस करोगे तो आप गवाओगे 300 रुपए, उस पर ब्रोकरेज दोगे 60 रुपए, 350 रुपए आप पे लॉस लग गया। और जब आप प्रॉफिट करने जाओगे जहाँ पर आपको 600 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था, मान लो आपको 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अब यहाँ पर 180 रुपए पहले ही डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब बचे कितने आपके पास? 400 रुपए। अब 400 रुपए में से फिर से 50-60 रुपए दो, तुम चार्जेस दो, ब्रोकरेज दो, अब बचे कितने? 350। अब तो मुझे ये बताओ, जहाँ मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा था 1:2 का, वहाँ मेरे को 1:1 भी ढंग से नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पर कौन फंसाया जाके? रिटेल ट्रेडर। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए भलाई कर रहे हैं हम। अगर तुमको भलाई करनी है, मार्केट को, ऑप्शन ट्रेडिंग को रेगुलेट करना है, तो कुछ और भी तरीके होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करो। जैसे कि मान लो पहला, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आप बैलेंस शीट चेक करते हो ना बैंक की, वैसे इस बार आपको रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए कि मिनिमम आपके पास इतना पैसा होना चाहिए या फिर आपके पास एक अर्निंग सोर्स होनी चाहिए, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि आपके पास मार्केट अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज हो। तीसरा, अपनी तरफ से ही कोई कोर्स लॉन्च कर दो, फ्री हो, पेड हो, जैसा भी हो, और जब कोई भी ट्रेडर उसको क्वालिफाई कर लेता है तब एंट्री दो। या फिर किसी भी नए ट्रेडर के अकाउंट में लिमिट लगा सकते हो कि अगर कोई पर्सन कितना ट्रेड कर रहा है, कितने पैसे से ट्रेड कर रहा है, अगर एक दिन में इतना लॉस कर देता है तो उसके अकाउंट को कुछ दिन के लिए फ्रीज कर दो या फिर एसटीटी हटा दो, जिससे कि ट्रेडर से थोड़ा सा कम चार्जेस देना पड़े। लेकिन नहीं, इन चीजों में जाती है मेहनत और पैसा, जो कि ये देना नहीं चाहते है। ये क्या करेंगे? डायरेक्टली टैक्स बढ़ा दिया, टीडीएस लगा दो, करने ही मत दो, और नाम क्या कहेंगे? रिटेल ट्रेडर्स के भले के लिए कर रहे हैं। तो देखो, जो भी ये रिपोर्ट निकल के आ रही हैं, अगर वो सही है तो बहुत गलत चीज है। पहला तो आप इसको जुआरियों की तरह ट्रीट करना चाहते हो, दूसरा इस पे टीडीएस लगा रहे हो, मतलब एक नया बंदा सीखे भी ना, शुरुआत में ही उसकी जड़े काट दो। पर देखो, आप लोग एक बात को ध्यान से सुनो, अभी ये जो भी अफवाह है ये सिर्फ अफवाह है, कुछ रिपोर्ट्स से अंदरूनी जरूरी नहीं कि सही हो भी सकती है, पर फिर भी आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज इम्प्लीमेंट होती है तो इसका असर क्या पड़ेगा? 70-80% जो भी नए ट्रेडर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो चले जाएंगे, वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि पैसा बनेगा ही नहीं, कुछ भी कर लेना तुम तो। जिससे इफेक्ट कहां पे पड़ेगा? ब्रोकर्स पे पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर्स कमा नहीं पाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि उसको टैक्स नहीं मिलेगा।
करेंगे तो गवर्नमेंट अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। अगर मारती है तो देखा जाएगा फिर, क्योंकि देखो अब तक गवर्नमेंट पूरी तरीके से शराब को बैन नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि उस पर उसको टैक्स मिलता है, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग को भी पूरी तरीके से बैन नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को टैक्स के रूप में एक बहुत बड़ा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू मिलता है, चाहे वो आप डायरेक्टली दे रहे हो या फिर ब्रोकर दे रहे हैं। तो जो भी होता है आगे देखा जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, पर जो भी है आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। ट्विटर पे जाओ, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, इसकी क्लिप्स लगाओ, कहो जाके वहाँ पर हमको ये चीज पसंद नहीं आ रही है, अगर रेगुलेट करना है तो ढंग से करो, ये फालतू की बातें ना करें।